साल 2001 में आई सनी देओल की फिल्म गदर एक बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म को लगभग 19 करोड़ रुपए का बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 128 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इस फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में नजर आई थी और ये फिल्म भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए सिनेमाघरों को सुबह ही खोल दिया जाता था। लोगों में इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज था। इस फिल्म को देखने के बाद पाकिस्तान की लड़कियों ने भी कहा था कि भारत में सिर्फ एक ही मर्द है और वो है सनी देओल। लेकिन अब इस फिल्म का सिक्वेल बनने जा रहा है। खबरों के अनुसार इस फिल्म के निर्देशक रहे अनिल शर्मा ने कहा है कि वो इस फिल्म पर पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने इस फिल्म की लगभग स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और वो जल्दी सनी देओल के साथ मिलकर इस फिल्म की घोषणा करेंगे। खबरों के अनुसार वो इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल को ही साथ में रखना चाहते हैं और इस फिल्म की शुरुआत भी पाकिस्तान से होगी, जैसा कि फिल्म गदर का एंड हुआ था, क्योंकि उनके अनुसार इस फिल्म से लोगों का काफ़ी अच्छा जुड़ाव है। ऐसे में वो गदर टू की कहानी गदर वन से ही शुरू करना चाहते हैं। तो आप सनी देओल को एक बार फिर से गदर में एक्शन सीन करते हुए देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? साथ में अगर ये फिल्म अब रिलीज होगी तो कितना करोड़ का कारोबार कर पाएगी और एक कितनी बड़ी हिट साबित हो पाएगी? साथ ही ये फिल्म सनी देओल के कैरियर को कितने उड़ान दे पाएगी? आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमारे नए वीडियो की जानकारी के लिए घंटे का आइकन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।